हमारे ईएसआई के एक आईपी निर्भय कुमार, जो कि ईएसआई के इम्प्लॉई हैं, सेल्फ इम्प्लॉई हैं, वो हमारे यहाँ मेरे हॉस्पिटल ईएसआईसी हॉस्पिटल आदित्यपुर में इमरजेंसी में 13 अगस्त को रोड एक्सीडेंट के बाद आए। इमरजेंसी में आए, उस समय इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, घुटने में बहुत दर्द था, एकदम चल नहीं पा रहे थे, बहुत दिक्कत था इनको। तो हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर ने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, एमआरआई में ACL पार्शियल टीयर आया और बोन का भी इंजुरी दिखा। निर्भय कुमार सिंह को 13 अगस्त 2020 से कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में रखा है और इनको हम लोग ESI की तरफ से कंटिन्यूस ड्रग्स है उसको सप्लाई दे रहे हैं और इनका जो भी कंसर्न इलाज है उसको ESI हॉस्पिटल आदित्यपुर के थ्रू हम लोग इलाज दे रहे हैं और रेस्ट भी एडवाइस कर रहे हैं, जो कि इनको डिस्पेंसरी और कंसर्न मेडिकल रेफरी के द्वारा इनको दिया जा रहा है और उसी के चलते और इनके हम लोग के इलाज से ये 80-90% अभी तक इम्प्रूव हो चुके हैं। जल्द ही ये फुली ट्रीटेड हो जाएंगे और काम करने के लायक हो जाएंगे। आशा है कि नियर 1 or 2 months में ये वापस काम पे अपना जा सकते हैं। ड्यूटी साथ जाते समय 12 अगस्त 2022 में मेरा एक्सीडेंट हो गया सर, तो मेरा पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद हम असहाय जैसे महसूस करने लगे। हमारे दोस्त मित्र जो है आपके आदित्यपुर ESI हॉस्पिटल में हमको लेकर के आए। सर ESI से हमको दवा का भी मदद मिला और आर्थिक सहयोग हमको ESI से बहुत ज़्यादा मिला, जिससे कि मेरा परिवार, नहीं तो हम टूट चुके थे सर कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम तो बाहरी आदमी हैं रहने वाले, यहाँ हम लोग का कुछ है नहीं, ये ठेका लेबर में कमाने खाने वाले हैं। लेकिन ESI से हमको जो उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा हमको सर ESI से जो हमको लगभग 16 से 17 महीना हो गया सर बैठे हुए, तो हम लोग तो पूरे परिवार में टूट चुके थे कि कैसे क्या हो गया। लेकिन ESI हमको बहुत अच्छा बेनिफिट दिया और ESI का ही देन है कि हम लोग अभी तक सब परिवार किसी तरह से अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं और उसी में हंसी खुशी से अपना चल रहे हैं। इसके लिए हम और हमारे परिवार जो है ESI के बहुत बहुत धन्यवाद। Joining ESI scheme just got more rewarding.